आने से पहले पूछा है, इन्होंने प्रॉपर तरीके से वेरीफाई भी किया है चीजों को,
हर फैमिली को ये वेरीफाई करते हैं और उनका जो वेरिफिकेशन है वो नाता से लेते हैं कि इस फैमिली ट्री में कौन कौन है और कौन इनका जो कफील था वो इस वक्त अगर दुनिया में मौजूद नहीं है तो ये उसको फुली वेरीफाई करते हैं। सॉरी हाफिज साहब, इसके अलावा आप आज आपने ये जो इतने लोगों को मुस्लिम को बुलाया हुआ है आज किस सिलसिले में बुलाया हुआ है? आज सर हमने गर्म कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए। अच्छा, जिसमें लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, बच्चों के भी हैं। अच्छा, और ये हमने 74 फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट किए। अच्छा अच्छा, आपने कितनी फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट किए जी? 74 फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट किए। माशाल्लाह। आबिद साहब ये बताइए कि ये कपड़े आपको कहाँ से और किसने प्रोवाइड किए हैं? ये एक्चुअली सर मुख्तलिफ लोगों के साथ एनजीओ के साथ कॉन्टेक्ट होता है। अच्छा जी, तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं। और आपकी लिस्ट में जो डोनर्स हैं वो कितने हैं जो रेगुलरली आपको डोनेट करते हैं? हमारी लिस्ट में डोनर्स जो है वो हमारे वही रेगुलर दोस्त हैं, अच्छे हल्का अहबाब हैं, तालिकदार हैं, जान पहचान वाले अजीज हैं। हम एक नॉर्मल से फंडिंग करते हैं और हम कोशिश करते हैं उस नॉर्मल फंडिंग में मैक्सिमम जितनी भी चीजें हासिल कर सकते हैं और फैमिलीज को मुस्तफीद कर लें। अच्छा माशाल्लाह, टोटल कितने बंदे हैं इस वक्त आपके पास डोनर? उस वक्त जो रेगुलर डोनर थे वो तकरीबन 10 से 12 हैं। 10 से 12 गरीब लाज। अच्छा आबिद साहब, आप डोनर्स जो नए आपको डोनेट करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे और जो मुस्तकीन है उनको आप क्या मैसेज देंगे, वो आपको किस तरीके से कांटेक्ट करें? चैरिटी देना या डोनेशन करना वो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका माल जायज जगहों पे जायज लोगों के पास पहुंचे। हम आपको यहाँ पे ये यकीन दिलाते हैं कि आपका चाहे वो 1 रुपया भी है वो हकदार लोगों के पास जायज तरीकों से पहुंचेगा। उसकी एग्जाम्पल इस तरह दूंगा, हमारे पास अभी भी जितनी ये तकरीबन 22-23 फैमिलीज इन्वेस्टेड है जिसमें मोस्टली जो है वो बेवा औरतें और यतीम बच्चे हैं जिनको हम पर्सनली वेरीफाई करते हैं। फिर इवन ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनका कोई सोर्स ही नहीं, और मोस्टली इनमें से वो है कि जिनके अपने घर नहीं, कराई के मकानों में रहती है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। और मैं आपको ये चीज दावे से कहता हूँ, मेरे पास जितनी फैमिली इस वक्त रजिस्टर्ड है अल्लाह को गवाह बना के बैठा हूँ कि आए दिन तक किसी फैमिली ने किसी एक चीज रुपए की डिमांड नहीं की कि हमें ये चीज भी दे। उनको जो भी हम मतलब पैकेज देते हैं वो कहते हैं बस अल्लाह का शुक्र है हमारे लिए काफी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। यहाँ पे कोई लालच नहीं है, कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई सियासी मकासद नहीं है इसके, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम हो रहा है। इसी तरह जो यतीम बच्चियां होती हैं उनके लिए जहेज के लिए जो जायज जरूरियात होती है जो थोड़ा बहुत सामान हम कोशिश करते हैं अपने रिसोर्सेज में रह के मैनेज कर सके वो इनको अरेंज करके देते हैं। फिर हम देखते हैं अगर कोई मेडिकल का पेशेंट है उसके लिए आप हमारे जो कोलीग्स हैं कुछ दोस्त हैं उनसे मेडिकल के सैंपल्स उनसे लेके दे देते हैं जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। फिर पाकिस्तान बैतुलमाल को ज़कात कमेटी को उनको हम कॉन्टेक्ट करते हैं, उनका भी उसकी हेल्प आउट हो सकती है वो करवाते हैं। अभी करंटली एक पेशेंट था इधर गाँव में, यंग लड़का था 36-37 साल उसकी एज थी, उसके दिल के 2 बाल बंद थे, स्टंट 2 डलने थे, वो हमने बैतुलमाल के थ्रू ने किया उसकी हेल्प आउट किया, वहाँ से उसको 1,49,000 रुपए मिले, बाकी कोई 30-1,000 रुपए एक्स्ट्रा लगता था वो हमने करके अरेंज करके दिया। वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लड़का अपनी मेहनत मजदूरी के काबिल हो गया दोबारा, जिसके छोटे छोटे बच्चे हो बड़ी बात होती है। चलिए माशाल्लाह। आबिद साहब ये बताएं कि आपको मुस्तकीन किस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? जी ये नंबर है 03-111-007323। मैं रिपीट कर देता हूँ, 03-111-007323। थैंक यू वेरी मच। मेराज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लोग किस तरह आवाम की बेरोज खिदमत कर रहे हैं आपको मैं बताता चलूं कि ये हमारे पड़ोसी हैं, अलीफ बाय पे चैनल के पड़ोसी हैं, इसलिए अगर आपको इनसे राबता करने में किसी किस्म की दुश्वारी हो, आया आप डोनर हैं या मुस्तहक हैं, आप हमारे नंबर पे 03-111-007333 पे या 09924001292 के ऊपर हमें कांटेक्ट करें, हम आपको इनके साथ रابطہ कराएंगे।
अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो आबिद साहब या इनके साथी जो हैं, ये अपना पर्सनल बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस रन करते हैं, जैसे कि इनका इंटीरियर डिजाइनिंग का और डेकोरेशन का बिजनेस है, इसलिए इनका किसी किस्म का इस पर्टिकुलर चैरिटी के ऊपर कोई रिलायंस नहीं है। ये इस चैरिटी के ऊपर से कोई पैसे ड्रॉ नहीं करते हैं, कोई अपने यानी सैलरीज ड्रॉ नहीं करते हैं, इसलिए ये आपका जो पैसा है ये 100% मुस्तहिकीन के पास जा रहा है। और ये मैं इसलिए वसूख से कह रहा हूँ कि ये मेरे पड़ोसी हैं और ये सारी इनके जो ये डोनेशंस जिस तरह आ रही हैं और जिस तरह तस्दील इसकी हो रही है, ये हमारे सामने हो रही है और हम इसके गवाह हैं। तो नाज़रीन, आप भरपूर इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इस चैरिटी के साथ शरीक हों, लिंक हों और इसके साथ मदद करें, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अलिफ बाय पे टीवी। अल्लाह हाफिज़।